दोस्तों एक सवाल है जो कई लोगों के जहन में आज भी उभरता है कि जब बिहार में एशिया का सबसे बड़ा औद्योगिक घराना था तो आखिर वो बिहार इतना बर्बाद कैसे हो गया। दोस्तों रोहतास जिले के डेहरी ऑनसोन अगर कभी जाइएगा तो वहाँ पर डालमिया नगर औद्योगिक परिसर एक बार जरूर देखिएगा। दोस्तों इसे लोग रोहतास औद्योगिक समूह के नाम से भी जानते हैं। डेहरी ऑनसोन शहर के काफी महत्वपूर्ण स्थान पर स्थापित होने के कारण डालमिया नगर औद्योगिक परिसर ने इतना नाम कमाया कि डालमिया नगर की एक अपनी पहचान पूरे देश में बन गई। 20वीं शताब्दी में डालमिया नगर औद्योगिक भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया के सबसे बड़े औद्योगिक परिसर एवं सबसे संपन्न इलाकों में से एक था। डालमिया नगर के औद्योगिक शहर की स्थापना उद्योगपति रामकृष्ण डालमिया ने की थी, जो 20वीं सदी के भारत में एक व्यवसायी और डालमिया समूह के संस्थापक थे। उद्योगपति रामकृष्ण डालमिया ने उस समय के शाहबाद जिले वर्तमान में रोहतास जिला के डेहरी डालमिया नगर को विश्व के नक्शे पर स्थापित कर दिया और इसकी पहचान औद्योगिक नगरी के रूप में पूरे एशिया महादेश के समक्ष रख दिया। शाहबाद जिले समेत अन्य क्षेत्रों के लिए स्वर्णिम सफर की शुरुआत तब हुई जब डालमिया नगर औद्योगिक परिसर में उद्योग की शुरुआत साल 1933 में हुई। उस समय शाहबाद क्षेत्र में गन्ने की खेती बहुत ज्यादा होती थी, जिसको मद्देनजर रखते हुए 18 मार्च 1933 को रोहतास शुगर लिमिटेड की शैली के तहत एक कंपनी पंजीकृत की गई थी। 22 अप्रैल 1933 को कंपनी ने अपना व्यापार शुरू कर दिया। उद्योग एवं व्यापार के नजरिए से डेहरी ऑनसोन रेलवे स्टेशन से बिल्कुल सटे डालमिया नगर बिल्कुल ही आदर्श स्थान था, क्योंकि डेहरी ऑनसोन रेलवे स्टेशन पूर्व रेलवे जोन के कोलकाता नई दिल्ली ग्रैंड कार्ड लाइन पर मौजूद था। इसके अलावा यह क्षेत्र ग्रैंड ट्रंक रोड यानी GT रोड, सोन नदी के साथ साथ डेहरी रोहतास लाइट रेलवे, सोन नहर प्रणाली एवं सड़कों के जाल के माध्यम से देश के दूरवर्ती क्षेत्रों से सीधा जुड़ा हुआ था। 15 मई 1933 को चीनी मिल के लिए सर सुल्तान अहमद द्वारा नींव का पत्थर रखा गया था, जिसके बाद निर्माण कार्य को गति मिला और मात्र 7 महीने में इसे पूरा कर लिया गया था। इसके बाद साल दर साल चीनी मिल के उत्पादन क्षमता को बढ़ाया गया और धीरे धीरे रोहतास चीनी मिल ने गुणवत्ता के मामले में अपने आप को एक बेहतरीन स्थान दे दिया। 1957 से 58 के समय में डालमिया नगर फैक्ट्री तक गन्ने की आपूर्ति को पूरा करने के लिए 16 मील यानी लगभग 25.75 किलोमीटर लंबे डालमिया नगर नासरीगंज रेलवे लाइन को खोला गया था। इसके अलावा पहले से चल रही डेहरी रोहतास लाइट रेलवे को 29 किलोमीटर दक्षिण की ओर पीपराडीह तक विस्तार कर दिया गया, जहाँ कंपनी की नई चूना पत्थर लाइम स्टोन की खदानें स्थित थी। इस रेल लाइन के विस्तार से फैक्ट्री तक अधिक मात्रा में गन्ने पहुँचने लगे थे। डालमिया नगर औद्योगिक परिसर में साल 1938 में जुलाई अगस्त माह में सालाना 6000 टन की उत्पादन क्षमता वाले एक पेपर मशीन की नींव रखी गई। 4 अप्रैल 1939 को इस पेपर फैक्ट्री की पहली मशीन का उद्घाटन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। इसके बाद पेपर उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए साल 1953 में दो और मशीनों को लगाया गया, जिसकी उत्पादन क्षमता 15 एवं 3 टन प्रतिदिन था। इसके अतिरिक्त 1956 में दो नई मशीनों को जापान से मंगाया गया, जिसके बाद कंपनी ने अच्छे किस्म के हल्के कागजों का उत्पादन भी शुरू कर दिया। धीरे धीरे पेपर फैक्ट्री ने विस्तार किया और आने वाले कुछ महीनों में ही यह कंपनी पूरे देश में सबसे अधिक पेपर उत्पादन करने वाली कंपनी में से एक बन गई। इसके साथ साथ यह कंपनी सभी किस्म के पतले से मोटे श्रेणी के कागज एवं तख्ता यानी कि बोर्ड का उत्पादन करने लगी। उस समय डालमिया नगर की पेपर फैक्ट्री पूरे देश के 20% कागज और तख्ता का उत्पादन करती थी। तो वहीं यहाँ पर फिर एक सीमेंट फैक्ट्री की भी स्थापना की गई और सीमेंट फैक्ट्री के लिए मशीनों को डेनमार्क से लाया गया। साल 1937 में उस समय बिहार के तत्कालीन गवर्नर सर मॉरिस हैलेट ने प्रतिदिन 500 टन की क्षमता वाले सीमेंट फैक्ट्री की नींव रखी थी। सीमेंट प्लांट का निर्माण कार्य 1939 में पूरा किया गया था और मार्च 1938 में स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने इस सीमेंट कारखाने का उद्घाटन किया था। उस समय यह सीमेंट कारखाना पूरे भारत में सबसे बड़ा एकल इकाई कारखाना यानी सिंगल यूनिट प्लांट था। सीमेंट उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए साल 1950 में समान क्षमता वाले कारखाने को लगाया गया। इसके बाद 1956 में प्रतिदिन 800 टन सीमेंट उत्पादन क्षमता वाले तीसरे कारखाने को भी लगाया गया, जिसके बाद पूरे देश में अशोक सीमेंट लिमिटेड ने अपनी नई पहचान के साथ साथ कामयाबी के सभी झंडे गाड़ दिए और साथ ही साथ बिहार को पूरे देश में प्रसिद्ध कर दिया। और सिर्फ प्रसिद्ध ही नहीं किया बल्कि बिहार को इतना कामयाब किया कि उसकी कामयाबी में बिहार सराबोर हो चुका था। बिहार में कई कंपनियां खुल रही थी, बिहार में कई फैक्ट्रीज खुल रहे थे और यहां बंगाल से लेकर नेपाल तक के कारगर काम करने आते थे और लगभग 5000 से ज्यादा लोगों को यहां पर रोजगार मिल चुका था। ये वही बिहार है जिस बिहार की आज हालत ऐसी दयनीय है कि आज के बिहारियों को बंगाल से लेकर नेपाल और नेपाल से लेकर दिल्ली और कलकत्ता तक वापस अपने रोजगार के लिए दौड़ना पड़ता है। कहीं ना कहीं आप आज के इस बिहार को देखेंगे तो शायद आज के इस बिहार को देखकर आपको तरस आएगा।
सिर्फ डालमिया नगर ही नहीं बल्कि कई ऐसी कंपनीज बिहार में थी, बल्कि चीनी उत्पादन के मामले में बिहार देश का सबसे बड़ा उत्पादक बन चुका था। शायद कहा जाता है कि बिहार से लगभग 60% चीनी पूरे देश में जाता था, यानी कि बिहार में चीनी उत्पादन सबसे ज्यादा होता था और यहाँ के किसान सबसे ज्यादा खुश थे और साथ ही खुश थी यहाँ की इकोनॉमी। लेकिन आज हालात देखकर तो लोग यही कहते हैं कि हम रोजगार करने कहाँ चले जाएं, हमें रोजगार कहाँ मिलेगा। ये वही बिहार है जो 1947 के बाद से लगातार विकास करता रहा, लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे इसका डाउनफॉल शुरू हुआ और आज इतना नीचे आ गया है कि यहाँ के लोगों को दूसरे राज्यों का मुंह ताकना पड़ता है।